गाइस, आई एम ज्योति एंड वेलकम टू माय चैनल द चैम्बर ऑफ सरप्राइजेस। गाइस, गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है आपको पता है, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है और उमस और गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है। और पता है किचन में जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन जितना खाना खाना ज़रूरी है आपको पता है, खाना बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। अब रोज़ हम बाहर का खाना तो खा नहीं सकते हैं ना, तो बाहर का खाना रोज़ अच्छा ही लगता है और ना ही वो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। तो आज सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लोगों ने कहा कि डिनर में राजमा सब लोग खाएंगे, तो मैंने राजमा भिगो दिए थे। तो आज अब रात को शाम को मैं आप लोगों के साथ जो है राजमा बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। देखते हैं, चलिए मैं कैसे राजमा बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी राजमा बनेंगे, आप लोग भी बनाकर देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा राजमा को खाकर, और बताइएगा कमेंट में मुझे कि कैसे लगे आपको राजमा अपने घर में बनाकर खाकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब राजमा बनाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे देखते हैं गाइस। तो ये आज सबका मन था राजमा खाने का डिनर में, तो ये हमने देखिए राजमा रख दिए हैं कुकर में पानी डाल के। अब इन्हें सीटी लगाएंगे उबलने के लिए, गैस पे रख देंगे और एक तेज पत्ता डाल दिए हमने इसके अंदर। अब इसे गैस पे रख देंगे हम उबलने के लिए, 4-5 सीटियां लगाएंगे। गैस पे रख दिया हमने कुकर अब सीटी आने के लिए। अब जब तक ये राजमा उबलेंगे तब तक हम अपना टमाटर और प्याज कटिंग कर लेते हैं उनकी, ताकि उसके बाद की प्रोसेस हम आगे कर सकें। अब गाइस, हमने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल लिया है। अब इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। ये थोड़ा सा इसको भूनेंगे। अब जो प्याज काटी थी हमने वो डाल देंगे इसमें। प्याज लहसुन इसमें सब है जो हमने काटा था। अब इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे बस थोड़ा सा लाइटली भूनना है। थोड़ा सा कलर से थोड़ा हल्का सा चेंज हो जाए, जब तक कच्चापन चला जाए तब तक इसे थोड़ा सा भूनेंगे। देखिए थोड़ा सा कच्चापन चला गया, थोड़ा सा भूनेंगे इसे। इसमें अब ये टमाटर भी ऐड कर देंगे, 2 कटोरे लाल टमाटर डालेंगे, रंग अच्छा आएगा जिससे टेस्ट भी अच्छा आएगा। थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ी देर के लिए ढककर भूनेंगे ताकि अच्छे से थोड़ा भून जाए। अब इसे ओपन कर लेते हैं। होगा ये बस हमें हल्का हल्का इन्हें सुनहरा ही करना था, ज़्यादा इन्हें भूनना नहीं था, कच्चापन निकालना था बस थोड़ा इनका। ये थोड़ा साइड में रख के ठंडा होने देंगे 5 मिनट के लिए, और फिर इन्हें इनकी प्यूरी बना लेंगे, मिक्सी में पीस लेंगे इन्हें। दोबारा फ्राइंग पैन ले लिया, इसमें थोड़ा तेल डाल दिया है, अब वो प्यूरी डालेंगे इसमें। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, बाकी हल्दी डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, और धनिया पाउडर डाल देंगे और इन सबको भून लेंगे अच्छे से। मिर्च में बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि मेरा बेबी जो है वो छोटा है, वो खाता नहीं है फिर मिर्च, तो आप अपने स्वाद अनुसार मिर्च डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अब इसे पकाते रहेंगे थोड़ी देर तक, और फिर इसके अंदर हम राजमा को ऐड कर देंगे। बस हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, अब हमने राजमा भी प्यूरी में ऐड कर दिया है। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद थोड़ी देर पकाएंगे, ताकि राजमा में जो है वो प्यूरी अच्छे से एंटर कर जाए और अच्छे से राजमा जो है वो स्वादिष्ट लगे। तो थोड़ी देर इन्हें पकने देंगे दोनों को, और फिर हमारी जो राजमा की सब्ज़ी है वो बनकर तैयार है। ये देखिए, हमारी राजमा की सब्जी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। अब आप इसे गार्निश कर सकते हैं धनिए से भी,
और बटर से भी गार्निश कर सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, पुलाव फुलके के साथ खा सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में, बहुत लाजवाब है ये। आप भी बनाइए अपने घर में और स्वाद लीजिए, खा कर देखिए, बहुत ही टेस्टी है। मैंने अपनी रेसिपी आज आपके साथ शेयर की, कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बनाकर देखिएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी, और मुझे बताइएगा कमेंट में ज़रूर। अब नेक्स्ट मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे ऐसी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, तो याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना मेरे वीडियोज़ को। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।